इज़ द स्मार्ट बस ऑफ इंटरसिटी। और आप देख सकते हो कितना ही क्लीन और हाइजीनिक बस केबिन टूर। तो गाइज़ ये व्लॉग दिल्ली टू अमृतसर रहने वाला है और मैं बस से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ जो कि इंटरसिटी बस रहता है। बहुत ही सही बस है ये, इसमें अंदर ही वॉशरूम, वाईफाई, हर एक फैसिलिटीज़ दे रखा है। जैसा इन फ्लाइट रहता है, मिनी फ्लाइट बोल सकते हो आप इसको। और अंकल इंटरसिटी बस से निकल रहे हैं अमृतसर के लिए, दिल्ली टू अमृतसर। और ये पूरा जर्नी हम आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर व्लॉग। बहुत ही बढ़िया बस है, कम्फर्टेबल है। इंटरसिटी में स्टार्ट करिए बस, जो कि हर तरह की इसमें सुविधा पाएंगे। इसमें आप एक शौचालय भी पाएंगे ऑन बोर्ड, जो कि इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। दो पानी की बोतलें मिलेगी यहाँ पे और बिल्कुल ही आपकी जर्नी ट्रैक होती रहेगी। तो फाइनली अभी हमारी इंटरसिटी बस यहाँ से चल चुकी है दिल्ली से अमृतसर के लिए। अभी हम रुके हैं ब्रेक के लिए यहाँ पे, और ये रही अपनी बस। ब्रेक के लिए रुके और यहाँ पे मैंने चाय और सैंडविच ऑर्डर किया है। तो यहाँ से ब्रेक करके फिर निकलेंगे अपनी जर्नी की तरफ, कंटिन्यू राइड करेंगे। थैंक यू भाई। तो 2 बजे ग्रिल सैंडविच और चाय, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइज। बजे हम लोग यहाँ पे ब्रेक पे रुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने हल्का फुल्का मील खाया और फिर यहाँ से आगे जर्नी स्टार्ट होगा और एक्सप्लोर करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। ग्रिल सैंडविच और चाय का मज़ा लिए रात के 1:30 पे, और हम अपने अगले जर्नी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन है अमृतसर। ब्रेक के लिए 150 किलोमीटर के बाद, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एवरीथिंग का, चलते हैं। और ये रहा केबिन। चलो I know you want me. अभी हम लोग हैं इंटरसिटी बस के केबिन में और यहाँ पे रहे अपने पाजी। पाजी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जशन। जशन, तो पाजी आपने नाइट से कंटिन्यू ड्राइविंग करी है। और यहाँ पे हमारे इंटरसिटी बस के कैप्टन सर, आपका नाम क्या हुआ? सूरज कुमार। सूरज कुमार। तो सर आप प्लीज़ बस के सारे स्पेसिफिकेशन, फैसिलिटीज़ और कहाँ से कहाँ चलती है, कहाँ तक अवेलेबल है, बस सब कुछ बता दीजिएगा। सर ये ऑल ओवर इंडिया में वर्किंग है। ओके जी। और इसकी जो खासियत है ये नाइट में वर्क करती है जी। हाँ जी। इसमें बहुत सेफ्टी फीचर कंपनी ने दे रखे हैं सब, ये लेडीज़ के लिए खास कर बहुत सेफ्टी है, लेडीज़ के लिए बहुत सेफ्टी वाली बस है। जैसे कि हम बोल सकते हैं वॉशरूम है बस में सब, वाईफाई है, ब्लैंकेट हम प्रोवाइड करते हैं, तो लाइव जीपीएस इसमें है, कोई भी बस ट्रैक करता है, ट्रैक कर सकते हैं लाइव जीपीएस, राइट। सीसीटीवी फुटेज है बस में, तो और भी बहुत सारे फीचर है जो कंपनी में बस में है जो पैसेंजर लुत्फ उठा सकते हैं। मोस्टली पैसेंजर हमारी बस में ट्रैवल करते हैं, जो हमसे डायरेक्ट बुकिंग कराते हैं हम उनको 15% डिस्काउंट भी देते हैं, डायरेक्ट डिस्काउंट देते हैं, राइट। हाँ जी। और रेगुलर कस्टमर्स के लिए क्या रहेगा इसमें? सर जो जैसे ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, ओके, तो उनके लिए तो वहाँ पे होता है, तो उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट अगर किसी स्टाफ से करवाते हैं। जैसे हमारा पर्सनली नंबर होता है, जैसे मैं अपना नंबर बता ही देता हूँ, नोट कर ले जिन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, बता दीजिए, बता दीजिए। 8968669989। जिन्होंने भी बुकिंग करवानी हो डिस्काउंट पे, ऑनलाइन भी चेक कर लेना, उससे कम आएगा प्राइस। ओके ओके। तो आप एंजॉय कर सकते हो जर्नी। मोस्टली पैसेंजर्स डायरेक्ट ही करवाते हैं। हाँ, डायरेक्ट ही करवाते हैं ना, राइट। तो सर मतलब ये जर्नी मतलब स्टेट कौन से स्टेट में अवेलेबल है ऐसा? सर ये जैसे जो जो मुझे याद है वो बता देता हूँ। जैसे मनाली चल रही है, देहरादून चल रही है, शिमला चल रही है, और बॉम्बे में चल रही है, अमृतसर रूट है, और काफ़ी सारे रूट है जहाँ पे मतलब हम चंडीगढ़ चल रही है। तो लोग किसी ने घूमने जाना हो, अपना बिजनेस टूर हो, आराम से एंजॉय कर सकते हैं जर्नी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारी बसेस में। वो ऐसे फील नहीं होता कि यार हम बस में रोडवे, जैसे बहुत अंतर है उनमें से और हमारी बस, जो इसको हम बस नहीं बोलते, हम इसको स्मार्ट बस। हाँ, स्मार्ट बस है ये। तो ये तो है ही, और हम भी स्मार्ट है, स्मार्ट कैप्टन, स्मार्ट बस। हाँ जी, ये तो है कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमारे ड्राइवर भी वो स्मार्ट है। पीछे हमारे मलकीत की है, हेलो पाजी, कैंचू साहब, ये भी बड़े स्मार्ट हैं। ये देख के मुकर जाते हैं। तो ये हमारी जर्नी रहती है, पूरा नाइट हम काम करते हैं। पाजी, ये दिल्ली से अमृतसर के लिए कितने घंटे की जर्नी रहती है? ये अप्रोच 7-8 घंटे में पहुंच जाते हैं। ओके, हाँ, 500 किलोमीटर 7-8 घंटे में, राइट। हाँ हाँ, नाइट को सारी सड़कें खाली होती है। हाँ, और ब्रेक श्रेक के लिए बीच में? हाँ, ब्रेक 30 मिनट का ब्रेक होता है ढाबे पे। ओके, हम एंजॉय कर सकते हैं फूड को वहाँ पे। शिवा ढाबा पे गाड़ी रुकती है, और भी काफ़ी सारे ढाबे उस तरफ। हाँ, तो जो हमारी ड्यूटी होती है वो हाफ रूट होती है। उस तरफ से अलग कैप्टन होते हैं, इस तरफ से अलग कैप्टन। तो कोई छूट ना जाए इसलिए आप पहले इन्फॉर्म कर देते हो सारा कुछ, राइट। हमारी बहुत सख्त ड्यूटी होती है, हम कस्टमर का पूरा ख्याल रखना होता है। ओके, थैंक यू पाजी। ओके, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बस ऑफ इंटरसिटी, और आप देख सकते हो कितना ही क्लीन और हाइजीनिक है। टू माई डेस्टिनेशन अमृतसर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ट्रैवलिंग करने में। दिल्ली टू अमृतसर का जो ट्रैवलिंग था 500 किलोमीटर का, और वो भी स्मार्ट बस में गाइस, जिसमें कि ऑन बोर्ड वॉशरूम, अंदर ही वॉशरूम था, वाईफाई वगैरह तो हर एक चीज़ बस में आजकल देने लगे हैं, जीपीएस वगैरह, बट ऑन बोर्ड वॉशरूम गाइस कुछ नया था मेरे लिए। तो मैंने तो हर चीज़ एक्सप्लोर करा उसमें, एंड आई होप कि आप लोग भी उसमें जाओ और एक्सप्लोर करो, क्योंकि कुछ नया है उस बस में और बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। वैसे तो अंदर मैंने एक्सप्लोर करा हुआ, आप देख सकते हो। इस द टाइम कि मैं आपको अपने होटल का जो अमृतसर में है उसका मैं आपको छोटा सा रूम टूर दूँ, जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द रूम, एंड दिस इज़ आर लग्जरियस वॉशरूम, जिसमें कि जकूजी बाथ टब है, और अभी सब कुछ एक्सप्लोर अच्छे से करने वाला हूँ गाइज मैं आपको। एंड मिरर अपना जो कि सबसे अच्छा, और ये आप देख सकते हो जो कि ये मेरा बेड है, यहाँ पे रहा टेलीफोन जिसका है, और यहाँ पे अपना एक स्मार्ट टीवी, यहाँ पे मैंने लगेज अपना रखा हुआ है। और गाइस सबसे प्यारा व्यू मैं अभी आपको देने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हो, बाहर का भी व्यू हम यहाँ से ले सकते हैं गाइस।